आज के टॉपिक का नाम है द टेंस। पहले हम देखेंगे टेंस का डेफिनेशन। द टेंस ऑफ द वर्ब टेल्स अस द टाइम ऑफ द एक्शन। इट टेल्स अस वेदर द एक्शन हैज टेकन प्लेस इन द पास्ट, इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट और विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर। किसी वर्ब का टेंस एक्शन या क्रिया के टाइम को बताता है कि वो कोई क्रिया पास्ट में हो चुका है या प्रेजेंट में हो रहा है या फिर फ्यूचर में होगा। टेंस किसी भी वाक्य में क्रिया का वह रूप होता है जिसके द्वारा हमें समय का पता चलता है या जो कार्य के होने का समय बताता है। जैसे गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स गया, गॉन जा चुका है, गोइंग जा रहा है। इंटरोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसका आंसर यस या नो में दिया जा सके। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या तुम्हें आम पसंद है, तो आप इसका आंसर यस और नो में दे सकते हैं। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिसका आंसर केवल यस और नो में ना दिया जा सके। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको आम क्यों पसंद है, तो आप इसका आंसर केवल यस और नो में नहीं दे सकते, आप बताएंगे कि आपको आम क्यों पसंद है। ऐसे टाइप के सेंटेंस डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। देयर आर थ्री टेंसेस फ्रॉम अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइम पीरियड्स। नंबर फर्स्ट, करंट टाइम और प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जांपल, आई एम राइटिंग लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूँ। नंबर टू, गोन टाइम और पास्ट टेंस। फॉर एग्जांपल, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा था। नंबर थ्री, टाइम टू कम और फ्यूचर टेंस। आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिखूंगा। मेजरली टेंस को थ्री पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। प्रेजेंट टेंस, जो कार्य वर्तमान में हो रहा है। पास्ट टेंस, वह कार्य जो किया जा चुका है या वह कार्य जो हो चुका है। फ्यूचर टेंस, वह कार्य जो फ्यूचर में किया जाएगा। टेंस के इन तीनों टाइप्स को फिर से फोर सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस को भी पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम देखेंगे प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब कोई कार्य होता है जिसमें किसी कार्य के पूरे होने या खत्म होने का पता नहीं चलता, तो इस प्रकार के टेंस को प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इस प्रकार के टेंस की हम पहचान कैसे कर सकते हैं, इसके लिए वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है जैसे शब्द होते हैं। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू और डस, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में वर्तमान सतत काल कहते हैं, जिसमें हमें बताना हो कि कोई कार्य वर्तमान में हो रहा है या जारी है, तो वहाँ पर इस टेंस का प्रयोग होता है। इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे है जैसे शब्द आते हैं। इस टेंस में हम इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते एवं वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता है, उसे वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहते हैं। नंबर थ्री आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब हमें यह बताना हो कि वर्तमान में कोई कार्य पूर्ण हो चुका है, तब पूर्ण वर्तमान काल या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर या है, ही है, ये है जैसे शब्द जुड़े रहते हैं। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट या फिर कोई नाम दिया गया हो। प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई, वी, दे, यू
प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर सब्जेक्टम प्लस हैज और है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नंबर फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार के टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे है के साथ समय दिया रहता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का फर्स्ट टाइप है पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट बीते हुए समय में घटी घटनाओं को व्यक्त करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में था, या, ये आदि सब आते हैं। पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे जैसे सब आते हैं। सेकंड है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब हमें यह बताना या कहना हो कि पास्ट में कोई कार्य हो रहा था, या यह दर्शाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं या प्रयोग किया जाता है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉश या वेयर का यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉश लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर लगाते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वॉश और वेयर, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड टाइप है पास्ट परफेक्ट टेंस। जब हमें यह बताना हो कि पास्ट में कोई कार्य किसी समय पर पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था या हो गया था, तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या, ये, थे आदि अक्षर आते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नंबर फोर्थ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब हमें यह बताना या कहना हो कि कोई क्रिया पास्ट में लगातार कुछ समय के लिए जारी हो रही थी और पास्ट में ही किसी निश्चित समय पर जारी रहकर समाप्त हो गई, तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस में वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्दों के साथ साथ समय भी दिया गया होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर टेंस का पहला टाइप है फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जब हमें बताना हो कि भविष्य में कोई कार्य या घटना होगी, तो वहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में गा, गी, ये आदि शब्द आते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस सेल और विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नंबर टू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जब हमें यह बताना हो कि फ्यूचर में कोई कार्य हो रहा होगा या कोई क्रिया जारी रहेगी, तो वहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जैसे शब्द आते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सेल और विल प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नंबर थ्री फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जब हमें बताना हो या कहना हो कि फ्यूचर में किसी समय में या समय से पहले कोई काम पूर्ण हो चुका होगा, तो इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सेल और विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नंबर फोर्थ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब हमें कहना हो कि कोई कार्य फ्यूचर में एक निश्चित समय से चल रहा होगा या निश्चित समय तक जारी रहेगा, तो वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे के साथ साथ समय भी दिया गया होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सेल और विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म।